वाइस सेलेक्शन क्यों नहीं हो सकता, प्रोडक्ट सिलेक्शन नहीं हो सकता। एक्चुअली आज मेरी बात हो रही थी किसी व्यक्ति से, तो उन्होंने ये बताया, अभी मैं व्यापम से ही होके आया हूँ, दिखाई सर इसको जरा। व्यापम में अभी मैं ज्ञापन देने गया था, क्योंकि सीएम आवास तो दे आए थे, तो सीएम आवास से पावती मिलती नहीं है। मैं व्यापम गया था आपके लिए, तो बड़ी देर थोड़ी सी चर्चा हुई वहां पर लोगों से, ठीक है, सब जानते हैं, अच्छे जानते हैं। तो ये रहा आपके व्यापम का आज ज्ञापन, ठीक है, ये आज मैंने ज्ञापन दिए, ठीक है, ठीक है आपको, ये सील मुहर मारी हुई यहाँ पर, तो ये व्यापम को मैंने ज्ञापन दिए है। और इसमें मैंने साफ तौर पर लिखा है कि समूह दो उप समूह चार सहायक संपरीक्षक सहायक जनसंपर्क अधिकारी एवं समकक्ष पदों की भर्ती है, भू अभिलेख राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी भर्ती परीक्षा, पटवारी का पाठन गलत डाला गया है, तो बावत है। इसमें ने बताया है कि माननीय सामान्य प्रशासन के राज्य पत्र श्री 3/10/2013 में दिनांक 10 फरवरी 2016 और 17 में स्पष्ट तौर पर समूह दो और समूह चार का पाठ निर्धारित है, जिसकी प्रति मैंने संलग्न कर दी है। इस आवेदन पिछले विगत वर्षों पटवारी भर्ती का पाठ इस प्रकार, जैसे पटवारी भर्ती 2007 में हुई थी तो क्या क्या पूछा गया, साथ में समान ज्ञान कंप्यूटर पंचायत राज हिंदी गणित, भर्ती परीक्षा 2012 में क्या पूछा गया, समान ज्ञान कंप्यूटर पंचायत हिंदी गणित, और भर्ती 2017 में पूछा गया समान ज्ञान कंप्यूटर पंचायत हिंदी गणित। तो कृपया तत्काल उचित कार्रवाई कर पटवारी का पाठ्यक्रम डालें, परीक्षा के आवेदन 5 जनवरी शुरू होने वाले हैं। और ये मैंने डाल दिया गैजेट, जो गैजेट है ना समूह एक का, ये उनको गैजेट दे के आया हूँ कि आपने समूह दो का सिलेबस डाला, जबकि पटवारी भर्ती किस में आ रही, समूह चार में आ रही है। अब इतना मैं कराया हूँ और कर करके अपना सील थप्पा लेकर के आ गया, ठीक है, तो यही चीज है, ठीक, चलिए, तो ये चीज है, अपनी तो कोशिश है यार, ठीक है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन के लिए आज एज रिलैक्सेशन में तो आज तो मजा आ गया, ठीक है, आज की पहली सुनाई थी एज रिलैक्सेशन की, ठीक है, बाकी 19 तक और भी चीजें पता चल जाएंगे, क्योंकि सरकार ने एक विभागीय लेटर मांगा है हमसे, तो विभागीय लेटर अगर किसी के पास हो तो प्लीज मुझे भेज दीजिए। कोई है आप में से कोई आबकारी, आबकारी वाला कोई व्यक्ति हो जिसकी जान पहचान आबकारी ग्वालियर में हो, तो ग्वालियर ने एक विभागीय लेटर जारी किया था, प्लीज थोड़ा सा देखिए, मुझे भेजिए। माननीय जज साहब ने आज कहा कि आप इसी को चैलेंज कर दो, है ना, तो मैं आप लोगों की एज बढ़वा देंगे हम लोग, है ना, मतलब पिटिशनर्स की। सर मेरा एक तो फोन कहाँ गया, मैं वो भेज रहा हूँ आपको, मुझे वो विभागीय आदेश चाहिए। विभागीय आदेश कहाँ मिलेगा आपको, जो आबकारी विभाग का रूल बुक है ना, तो रूल बुक में जहां पर लिखा कि वर्दीधारी पदों को 3 साल की छूट नहीं दी जाएगी, उसमें एक टिप लिखी है, टिप्पणी क्या की गई है, प्लीज मुझे भेज दीजिए अगर कोई आपका जान पहचान का हो तो, है ना, मेरे लिए हेल्प हो जाएगी यार, क्योंकि 19 तारीख को मैं जबलपुर हाईकोर्ट में रहूंगा, तो मैं ये बात बोल भी दूंगा सर से। अच्छा मंडे को ही आ पाएगा, तो इसमें विभाग का पत्र क्रमांक है स्थापना 2022/2032 ग्वालियर दिनांक 15/10/2022 के अनुसार 25 अक्टूबर 2022 को ये आबकारी विभाग ने एक पत्र जारी किया था उम्र को लेकर के। प्लीज अगर आप में से कोई आपका ब्याही व्यक्ति वहां हो मुझे लेटर भिजवा दो यार, है ना। विभाग का पत्र क्रमांक है 1/R/2022/2032 और डेट है ग्वालियर में, ग्वालियर क्योंकि आपकी एक्साइज डिपार्टमेंट ग्वालियर में हेड कार्यालय है, तो 25 अक्टूबर 2022 का लेटर है, प्लीज मुझे भिजवा दीजिए, मुझे चाहिए, ठीक है, ताकि मैं आबकारी में भी आप लोगों को फॉर्म भरने की इजाजत दिला दूंगा, ठीक। चलिए, क्योंकि आज सुनवाई हुई है इसके लिए और सरकार ने यही चीज दिखाई है, तो कोर्ट के तरफ से भी कि भाई इसी को आप चैलेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना, ठीक। चलिए, तो ये था हमारे लिए। अब चलते चलते आप सभी को एक संदेश, शुभ संदेश, संदेश ये है, आने वाले समय में जो भर्तियां होंगी, अब वो भर्तियां समय पे हैं। देव शर्मा, अच्छा लाता हूँ सर, हाँ प्लीज करवा दीजिए, क्योंकि मैं 19 तारीख को मुझे पेश करना है, 19 तारीख को मुझे पेश करना है, इसलिए कह रहा हूँ, नहीं तो फिर हमारी डेट बढ़ जाएगी और एक हफ्ते के लिए कोर्ट बंद रहेगा, तो आपका आबकारी का फॉर्म निकल जाएगा, है ना, प्लीज थोड़ा समझे प्रेस के। अच्छी बात तो है कि सोचिए परसों मैंने केस लगाया और आज सुनवाई हो गई, गजब की बात, सोचो हर 2-3 दिन सुनवाई हो रही है, बहुत अच्छी बात है। तो भेजना का, मुझे भेजना है, मेरा नंबर है लिखिए 7827282211, इस पर भेज दीजिएगा आबकारी का, मेरा नंबर पर्सनल नंबर है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप करिएगा, कॉल मत करिएगा कि सर ये रहा वो लेटर, 7827282211 इस नंबर पे आपको मेरे को ये लेटर भेज दीजिएगा, ताकि मैं वहाँ जाके उनको ये दिखा सकूँ।
याद रखना, आबकारी वाला भेजना है, वो विभागीय लेटर नहीं भेजना, समझ, वो मेरे पास है आबकारी वाला 25 अक्टूबर 2022 वाला जो आबकारी विभाग ने जारी किया था, वो चाहिए मुझे, फिर से बता दूं। तो अब जो नई पुलिस भर्ती आएगी वो रहेगी क्या, वो जो नई भर्ती आएगी वो चाहिए आपका, वो रहेगी 14% पर रहेगी। बहुत कुछ बदलाव हो सकता है, मैं आपको साफ साफ फिर से बता दूं, तैयार रहिएगा, क्योंकि अगर कोई बच्चा एक्शन लिया, कोई भी जनरल कैटेगरी बच्चा एक्शन लिया पुलिस भर्ती पर, तो सीधे से रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा। रूल्स बुक चेंज हो गई, पटवारी रूल्स बुक चेंज हो गई, किस आनंद तिवारी, किसने कहा चेंज हो गई, क्यों नई रूल्स बुक डाल दी, क्या आज ही तो गया था मैं, क्यों आनंद तिवारी, क्योंकि एक लेटर दिया गया था आपको याद है सीएम को, और एक लेटर आप दे करके आए वाला, तो वही तो कह रहे हैं अभी नहीं हुआ है।